There are a relation for time taken by projectile to reach the highest point and the maximum height attained. प्रोजेक्टाइल जब तक बोल ना जाए ज़मीन से ज़मीन तक ही है, मतलब सेम लेवल वाला सिंपल प्रोजेक्टाइल है। टाइम टेकन प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है। अब ऊपर कौन ले जा रहा है? जब भी आप प्रोजेक्टाइल यानी पत्थर को फेंकते हो तो दो कॉम्पोनेंट होते हैं उसी वेलोसिटी के, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट और एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट। तो हाइस्ट पॉइंट पर ले जाने का रोल तो ये करेगा, इसका कोई रोल नहीं है, ये जो इधर ले जाएगा। जब हम वेलोसिटी, जब हम टाइम निकालना चाहते हैं, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सीलरेशन हमेशा होता है, हमेशा हर वक्त जी लग रहा होता है। तो इस लिहाज से हमें इक्वेशन लगानी चाहिए वी इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। और क्योंकि सब वर्टिकल बात हो रही है वाई एक्सिस की दिशा में, तो हम वाई लगा सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जब जीरो होगी तब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा। यहाँ पर वाई वेलोसिटी जीरो है, ये वाई हॉरिजॉन्टल तब भी मौजूद है यू कॉस थीटा, पर ये हाइट देने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनिशियली इट इज़ यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। तो जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब हम हाइस्ट पॉइंट पहुँच जाएंगे और टाइम निकल के आ गया, दैट इज़ यू साइन थीटा अपॉन जी। तो दैट इज़ द फाइनल आंसर। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट निकाल दीजिए, तो वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट जब होगी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल कितनी है यू साइन थीटा माइनस टू जी एच मैक्स। सो एच मैक्स कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। ये आपका फाइनल हाइट आ गई। इट्स अ वेरी इजी डेरिवेशन, इजी, यू कैन इजीली डू इट।